अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच और ये बहुत ही क्विक रेसिपी है अगर आपके घर में ये सारे सामान मौजूद हों तो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ब्रेड का स्लाइस और अब मैं इसमें डालूँगी एक खाने का चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस मैंने रेडीमेड ली थी जो बाज़ार से मिलती है और मैं इसको डाल के अब इसको अच्छे से फैला दूंगी। पिज़्ज़ा सॉस डाल देने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें रख रही हूँ चिकन चंक्स और ये मैंने केनेंस के चिकन चंक्स लिए थे। चंक्स को मैंने पहले ही छोटा छोटा सा काट लिया था और आप चाहें तो किसी भी ब्रांड के चंक्स ले सकते हैं। चंक्स के बाद अब मैं इसमें रख रही हूँ कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने छोटा छोटा काट लिया था और अब आखिर में मैं यहाँ पे रख रही हूँ चीज़ मैंने जो है वो पिज़्ज़ा चीज़ ले ली थी। आप चाहें तो जो भी आपको चीज़ अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं और चीज़ की क्वांटिटी तो आप पे डिपेंड करती है कि आप जितना पसंद करते हैं उतना रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरी टॉपिंग रखना चाहते हैं तो आप इसमें वो भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ब्रेड का एक और स्लाइस रख रही हूँ इसके ऊपर और मैं इसको सैंडविच मेकर में बना दूँगी। और अगर आपके पास सैंडविच मेकर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप तवे पे भी इसको जो है वो दोनों साइड से इसकी सिकाई कर सकते हैं। और अब यहाँ पे सैंडविचेस बन के तैयार हैं और मैं आपको यहाँ पे एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ इसके चीज़ के। देखें कितने अच्छे स्ट्रिंग्स बन रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।